हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में जो है एग्जाम से पहले अंतिम तैयारी, जो अपना सब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह चल रहा था बाबू, उसका जो है लेक्चर नंबर तीसरा आज जो है इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरा नंबर पार्ट, दो पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और इससे जो है बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये देखिए आपके सामने में एक कछुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए कछुआ हम इसलिए लगाए हैं आज, आपको पता है कि बचपन में हम पढ़े थे कछुआ और खरगोश की कहानी, तो आपको पता है कि कछुआ और खरगोश का जो रेस हुआ था उसमें से जीत किसकी हुई थी, कछुए की जीत हुई थी। तो इसी के रिगार्डिंग एक काफी अच्छी लाइन लिखी हुई है, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम 2 महीना पढ़ लेंगे, एग्जाम जब नजदीक आएगा 2 महीना पढ़ के तीर मार लेंगे, वो नहीं होने वाला है। आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। 90% छोड़िए, 90% अप्रोक्स ले लीजिए, बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम तो जो है अंतिम समय में जब होगा एग्जाम, जब 2 मंथ आएगा हम जी जान लगा के पढ़ लेंगे और 95% मार्क्स ले आएंगे। तो ये आपका सोच बिल्कुल भी गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, निरंतर कदम मतलब निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तब एक दिन आपको जो है आपका मंजिल मिलेगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो है लाइट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के प्रश्नों को करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र के उस संरचना का नाम लिखे जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। सबसे पहले पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उस संरचना का नाम क्या है, तो परितारिका अर्थात आयरिस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। आयरिस क्या करता है, पुतली को नियंत्रित करता है। लेकिन पुतली क्या करता है गुरुजी, तो पुतली क्या करता है कि प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। याद रहेगा, इस चीज को याद रखना। अगला सवाल है कि ये जो परितारिका है इसका क्या कार्य है, तो आपको पता है अभी ऊपर में पढ़े कि पुतली का आकार को नियंत्रित कौन करता है, आयरिस करता है। तो सेम यहां भी वही प्रश्न है कि परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। होप आप दो तो क्वेश्चन समझ गए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर तीसरा सवाल लिखा है, तीसरा नंबर सवाल में नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यह पूछा जा रहा है आपसे। देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसी को कहते हैं सामंजन क्षमता। उसी को क्या कहते हैं, जो फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जिसके कारण वह अपनी क्या करती है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं सामंजन क्षमता। क्लियर हुआ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है नंबर फोर देखिएगा, लिखा है सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु कहां कहां होते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निकट बिंदु के बारे में। तो जो निकट बिंदु है वो नेत्र के निकट बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट देखी जा सके, मतलब ऐसी ऐसी दूरियां जहां तक, अब मान लीजिए हम मेरे आंख के पास ऐसे सटा दिया है, पूरा सटा दिया है, हमको ये दिखिए नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, निकटतम दूरी थोड़े हुआ ये, मतलब जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट देखी जा सके वही होता है निकट, निकटतम
जो है ना निकट बिंदु कहलाता है, वो क्या कहलाता है, निकट बिंदु होता है। और यहां पे एक लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लिखा है सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगला, देखिए अगला नंबर, इसी में दो प्रश्न था, अब दूर बिंदु के बारे में देखते हैं। तो दूर बिंदु कब होता है, जब नेत्र से दूरस्त वह बिंदु, नेत्र से दूरस्त वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सके। अब दूर में कहीं भी रख दीजिए, जब तक कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो वह कहलाता है दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु कहलाता है। और दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, अनंत होता है। आप कहीं भी रखिए, कितना भी दूर रखिए, कहीं भी रखिए, उसका एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है कि 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वो दिखाई पड़ेगा। निकटतम बिंदु फिक्स होता है कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से आप नजदीक करोगे ना, ये वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल देखिएगा, लिखा है मोतिया बिंब क्या है, आज अरे मोतिया बिंब समझते हैं। देखो मोतिया बिंब क्या होता है, मोतिया बिंब क्या है, क्या मोतिया बिंब को ठीक करना संभव है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे बोला गया है कि क्रिस्टली लेंस, मतलब जो मनुष्य की आंख में लेंस लगी होती है ना, उत्तल लेंस, उसी को बोला यहां क्रिस्टली लेंस। तो वो उत्तल लेंस कभी कभी क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। जब लेंस धुंधला या दुधियापन हो जाता है तो इसी स्थिति को हम कहते हैं मोतिया बिंब, मोतिया बीमारी, मोतिया बिंब हो गया उसको, धुंधला दिखाई देने लगा। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में काफी कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मतलब जिस मनुष्य को इस तरह की परेशानी हो जाती है उसको पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, मतलब वो मतलब कुछ भी चीजें उसको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये इस तरह का कंडीशंस हो जाता है। अब मोतिया बिंब की शल्य चिकित्सक, जो चिकित्सा होता है ना शल्य चिकित्सक के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मतलब आप कभी आप सुने कि आंख का ऑपरेशन करवाने गया है कोई, तो उस कंडीशंस में वो फिर से देख सकते हैं। ये इस चीज को जो है शल्य चिकित्सक के द्वारा, किसके द्वारा, शल्य चिकित्सक के द्वारा ठीक किया जा सकता है, वो वापस देख सकता है। तो होप आप मोतिया बिंब को समझ गए कि मोतिया बिंब क्या होता है, जब जब लेंस जो क्रिस्टली लेंस होता है, जब क्रिस्टली लेंस जो है दुधिया या धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं मोतिया बिंब। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर 6 सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लो, एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न और आपके एग्जाम में भी आएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। तो सामान्य जो स्वस्थ नेत्र होता है, सामान्य नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अर्थात जो 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपको पता है कि एक तो होता है दूरस्थ, दूर बिंदु और एक न्यूनतम दूरी होता है। तो न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के जो अनंत तक होता है, इस बीच की वस्तु को देखा जा सकता है। लेकिन कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि या तो दूर में रखी वस्तु आदमी को नहीं दिखाई देने लगता है, या तो निकट रखी वस्तु को नहीं दिखाई देने लगता है।
तो इस तरह का कंडीशंस में जब ये क्षमता खो गया, अब मान लीजिए हमको ये वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने जो है नजदीक रखी वस्तु को देखने की क्षमता खो दी, तो इस स्थिति को हम कहते हैं क्या, दृष्टि दोष हमारे आंख में हो गया, तो ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। तो दृष्टि दोष मतलब दृष्टि में दोष होना, या तो हम दूर में रखी वस्तु को नहीं देख पा रहे, जैसे सामने में मेरा श्याम पट लगा हुआ है तो हम वहां पे लिखे हुए लेटर्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब हमें जो है क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, हम दूर की वस्तु को पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये चीजें हो जाती है, तो उसमें क्या हो गया, दृष्टि में मेरा दोष हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। अब ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष, चार प्रकार के होते हैं। नंबर पहला निकट दृष्टि दोष, कौन कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला आता है नंबर तीसरा में जरा दूरदर्शिता, नंबर चौथा जो आता है वो होता है अबिंदुकता। तो चार प्रकार का दृष्टि दोष है, इसमें से आपका चारों में से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है, फिर उसके बाद पूछा जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है, तो इसको किया जाता है अवतल लेंस के माध्यम से। किससे किया जाता है, अवतल लेंस के माध्यम से किया जाता है, और इसको किया जाता है उत्तल लेंस के माध्यम से। किस लेंस से, उत्तल लेंस की मदद से इसको दूर किया जाता है। आइए अब समझते हैं सबसे पहला कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और जो है इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिएगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है या किया जा सकता है, सचित्र समझाइए। देखिएगा सबसे पहले निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। मतलब आपको अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी किए थे इसके बारे में वैसे सॉरी। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, अर्थात परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अर्थात दूर में श्यामपट है, हमसे जो है दूर में वहां पे श्यामपट है और वहां पे कुछ सेंटेंस लिखी हुई है और हम उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अर्थात हमें जो है निकट दृष्टि दोष हो गया है। अब इसको आप कैसे याद रखिएगा, हम उस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा निकट, निकट में निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई देती है। तो आप ऐसे याद रखिए कि निकट में निकट का दिखाई देता है, निकट में निकट का दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिएगा आपके सामने में ये फिगर दी गई है, अब इसका पूछा जा रहा है कि निवारण हम किस प्रकार से करें, सचित्र समझाइए। तो देखिए निवारण में इसका क्या चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब इस प्रकार का दृष्टि दोष हो जाता है तो इसमें कौन सा लेंस, अवतल लेंस के द्वारा इसका संशोधन किया जाता है। देखिए पहले यहां प्रतिबिंब जो है सामने में ही बन जाता है, रेटिना यहां पर है तो प्रतिबिंब सामने यही इधर ही बन गया, तब इसको क्या किया, एक लेंस यहां पे देखिए लगा दिया गया है, एक लेंस यहां पे इस प्रकार से लगा दिया गया है और ये क्या किया, इसको जो है रेटिना पर फोकसित कर दिया और इमेज कहां बना लिया, रेटिना, यहां पे रेटिना होता है ना, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया और यहां पे देखिए इमेज पहले बन जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको यहां पे क्या क्या चीजें हैं
वो ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या है, देखिएगा सबसे पहले क्या हो रहा है, जो लेंस की वक्रता वक्रता लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, मतलब लेंस की जो वक्रता है वह अत्यधिक हो जाता है जिसकी वजह से यह होता है। साथ ही साथ नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, देखिए ये नेत्र गोलक, ये जो है नेत्र गोलक अगर लंबा हो गया, ऐसे लंबा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो ये इसका भी एक कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये भी एक कारण है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तो ये दो पॉइंट आप लोगों के बीच रखे कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाने की वजह से भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसका संशोधन निवारण क्या के लिए क्या करते हैं हम लोग, निवारण के लिए इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को क्या करती है, अपसरित कर दे, ताकि किरणें रेटिना से पहले मिलने के बजाय रेटिना पर मिले, मतलब रेटिना पर मिलने लगे। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि इसका निवारण के लिए, देखिएगा हम यहां पे दिखाते हैं, इसका निवारण के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस इसके होने का क्या क्या कारण है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, प्लस जो वक्रता त्रिज्याएं होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है तो ये सारे कुछ कारण है। बढ़ते हैं नंबर एक सवाल की तरफ। एक नंबर सवाल में लिखा हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, सचित्र समझाइए। तो आप देखिए यहां पे दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को अस्पष्ट देख सकता है, परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को अस्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल के पीछे बन जाता है, मतलब इसमें जो रेटिना होती है ना, ये रेटिना इसके पीछे में प्रतिबिंब बनता है। तो इस कंडीशंस में जो क्या होता है, इसमें आप लोग को याद रखना है कि निकट की वस्तु जो है नहीं दिखाई देता है, ये याद रखिएगा। प्लस दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या क्या कारण है वो ध्यान रखिएगा। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिक हो जाता है, जो उसकी फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है, किसकी, नेत्र लेंस की, लेंस की फोकस दूरी, उसमें जो लेंस लगा होता है ना इस प्रकार से लेंस, तो इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिक हो जाती है। प्लस इसमें जो नेत्र गोलक है, जो आई बॉल बना होता है ना इस प्रकार से आई बॉल जो बना होता है आप लोगों का, इस प्रकार से आई बॉल, ठीक है, तो ये आई बॉल का जो है नेत्र गोलक उसी को बोला जाता है, आई बॉल को, वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका निवारण, इसका जो संशोधन है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से कुछ फिगर है आप लोगों के सामने में, ये रहा देखिएगा, ये फिगर आप लोगों को दी गई है, देख लीजिएगा इसको। इसको निवारण के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखें, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखें। तो देखिए निकट दृष्टि दोष है एक तरफ निकट दृष्टि दोष, और दूसरे तरफ आ जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें फोकस दूरी कम हो जाती है, इसमें नेत्र लेंस जो लेंस होती है उसमें लगी हुई, इसमें जो है फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसमें नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक हो जाती है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, इसमें जो है कम हो जाती है फोकस दूरी, और इसमें जो है अधिक हो जाती है। उसके बाद इस दोष के कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है, आपको पता है ये रेटिना है, तो
रेटिना के आगे में प्रतिबिंब बन जाएगा किसमें, निकट दृष्टि दोष में। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, ये रहा रेटिना, इसके पीछे में प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के जो है इसमें पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा नंबर लिखा है, इस दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। किस लेंस से दूर किया जाता है, अवतल लेंस से। और इस दृष्टि दोष को हम लोग किससे दूर करते हैं, उत्तल लेंस से दूर करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस से दूर करते हैं। और भी आप इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं कि इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या लिखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो आप इस चीज को ऐड कीजिएगा, दोनों में आप ऐसे याद रखिएगा तभी याद रहेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। किसकी वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, इसमें जो है दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो इस तरीके से याद रखिए, अब जब दूर की वस्तु दिखाई देगा मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, अपने आप समझ जाइएगा। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, मतलब तब क्या दिखाई नहीं दे रहा है गुरुजी, दूर की दूर जो है दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में यहां तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले इसके पार्ट 4 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल।